ये सही इंडिकेशन नहीं है और हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। गुफा भी है आगे, पता नहीं कितनी गहरी है, कुछ पता नहीं, इसमें अंधेरा है अंदर। गाइस ये है लेक सुंदरनगर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं अमरदीन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी के एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं इस मनरेगा पार्क से जो कि भराड़ी में है, और भराड़ी में ये झंझेली वैली से वापस जब मंडी की तरफ आएंगे तो रास्ते में मेरे ख्याल से 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है और बड़ा सुंदर पार्क है ऊपर। पिछले कल आए थे तो हम शिकारी देवी घूमे और झंझेली वैली घूमे, सुबह झंझेली वैली से वापस निकले थे और मनरेगा पार्क को आज अभी एक्सप्लोर करके हम जा रहे हैं मंडी वापस। और आप देखो नज़ारे भाई, मंडी में जब आप आओगे तो आपको बड़ी ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलेंगी, इनको धार बोलते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और जैसे हम शिकारी धार पे गए थे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची धार थी, उसे क्राउन ऑफ मंडी भी कहते हैं। और ये देख लो, ये है भराड़ी जहाँ पे ये मनरेगा पार्क स्थित है। अभी निकलते हैं हम मंडी की तरफ और मौसम कभी कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी कभी धूप आ रही है, मौसम ऐसा ही है। और पिछले कल हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और ये बारिश जो है ना उसने कर दिया था कीचड़ी कीचड़ रोड पे। अभी भी हमें 6-7 किलोमीटर का पैच मिलेगा ना, और 7 किलोमीटर का पैच कच्चा रास्ता मिलेगा, बट मुझे लगता है कि गाड़ियां आ रही हैं तो वो बारिश कल हुई थी तो अभी तक वो सूख गया होगा। ठीक है अंकल जी, ये अंकल जी हैं मनरेगा पार्क। जब आप जाते हैं तो यहाँ पे पर्ची काटते हैं और पर्ची काटने के बाद आप अंदर घूम सकते हैं। चलो जी, जय माता दी। और हम निकलेंगे अभी फुल गति से। देख लो भाई, बड़े सुंदर सुंदर रास्ते हैं, सिंगल ही हैं बट हैं सुंदर। और यहाँ टूरिस्ट मंडी में ना बहुत आते हैं घूमने के लिए, और कांगड़ा के पास में ही है मंडी जो है ना, पास में तो नहीं बोल सकते पर दूर ही है, पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट मंडी है हिमाचल का ये। और मंडी को छोटी काशी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। रात के ब्लॉग में भी हम ऐसे कुछ एक दो जितने भी मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना टाइम हमें परमिट करता है करेंगे, और आप सभी को दिखाऊँगा मैं अपने ब्लॉग में। और अपनी जो डोमिनार है वो भी पूरा साथ दे रही है अपना। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। और बुलेट वाले भैया आ रहे हैं, चलो आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, निकलो, आप निकलेंगे तो हम निकलेंगे। जेसीबी से रास्ता किया जा रहा है चौड़ा। सुंदर सुंदर जगहों पे जाने का मजा ही कुछ और है। और एक और सुंदर जगह ये देखो, बड़ी सुंदर है प्लेस, लोगों के घर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, ग्रीनरी जगहों पे कूट कूट के भरी पड़ी, ये देखो। E20 नहीं आपके पास में भैया? E95 है। अच्छा, फुल्ली कर दो, 6-7 लीटर डलेगा मेरे ख्याल से। पहले मैंने E20 डलवाया था, मिक्स हो गया, अभी हाइब्रिड बन गया, अभी जी 7.38 लीटर डाला, टैंक हो गया फुल। अभी घर तक मेरे को लगता है टैंक फुल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर सी बिल्डिंग, क्या सुंदर होटल बना रखा है, होटल होगा कि क्या है पता नहीं, बड़ा सुंदर है डिजाइन। कुल्लू बाया कांडा 80 किलोमीटर, मंडी 55 किलोमीटर यहाँ से, और ये है कोई होटल है।
एक नंबर जगह है सारी, एक नंबर जगह है। मैं तो तारीफ कर करके थक चुका हूँ। कैमरे में कितनी कैद हो रही है ये नहीं पता मुझे, पर मेरी आंखें तो कैद कर रही हैं सारी जगहों को। मंडी सीधा इस साइड है ना, 35 किलोमीटर। ए चला गया सीधा रास्ता मंडी के लिए। यहीं से जाएंगे हम कंटिन्यू इस हाईवे पे। हाईवे तो हाईवे है यार, ये कौन सा रास्ता, ऐसा रास्ता तो हमने देखा नहीं था आते टाइम। अक्षय देखा था क्या ऐसा रास्ता? नहीं देखा था ना हमने, था कि ऐसा रास्ता नहीं था? हम तो पतले पतले रास्ते से आए थे आते टाइम। तो भाई ये पता नहीं नीचे कुछ दिख रहा, पानी की नहर दिख रही है बहुत बड़ी। ये जगह पता नहीं कौन सी है, पर यहाँ से इस हाइट से ना पूरा शायद मंडी या सुंदर नगर है नीचे दिख रहा है। और ये सुंदर सा हाईवे, अभी हम हैं बग्घी में, और ये बग्घी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदर नगर जगह है वहाँ पे आती है। और ये दिखाई थी ना मैंने नहर, ये ऊपर से ये है, ये आता है पंडोल से आ रहा है ना, ये देख लो ये आता है पंडोर से पानी। तो चलो चलते हैं, पूरा मिट्टी के रंग वाला पानी है, पंडोर डैम से आ रहा है। सुंदर नगर में एक लेक है वो देख के आते हैं, 3-4 किलोमीटर है इधर से, तो आए हैं तो देख लेते हैं। और हाईवे दिल खुश कर देने वाला हाईवे है ये। लो जी बारिश की बूंदे पड़ना स्टार्ट हो गई, अभी कहीं रुकना पड़ेगा। ये सही इंडिकेशन नहीं है, और हमें एग्जिट लेना पड़ेगा कहीं अगले एग्जिट पे। यहीं रुकते हैं, यहीं रुक जाते हैं, बारिश ज्यादा है। ये देखो भाई बारिश हो रही है, मौसम हो गया ख़राब। अब कितना और टाइम लेगा हमारा ये नहीं पता। बारिश जो तेज़ बढ़ ही रही है, देखो सब बारिश हो चुकी है बंद। और चलते हैं भाई, अभी लेक जो है सुंदर नगर में जो है वो है यहाँ से 5.2 किलोमीटर पे है, तो चलते हैं देखते हैं सुंदर सी लेक को। यहाँ रुक गए थे, शेड मिल गया था, अच्छा है अंकल जी की दुकान पे इधर। 9 मिनट में पहुँच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे ना। मीटर पे है लेक जो है, 550-750 मीटर पे है। और ये नहर हमारे सड़क के साइड साइड चल रही जो हम ऊपर से देख रहे थे, ये है लेक। गाइस ये है लेक सुंदर नगर में, ये पंडोर से आता है, पंडोर डैम से पानी आता है, कृत्रिम लेक है। ये देखो बहुत लंबी आगे तक, तो ये है लेक जिसे देखने के लिए हम 5 किलोमीटर वहाँ से आए टर्न होके। हमें जाना था मंडी, मंडी ना जाके हमने बोला पहले लेक देखते हैं, हमने सुना। और जो उस साइड से जो पानी आ रहा है ना वो ऊपर से दिख रही थी, वो नहर से वो पानी आ रहा है वो उधर मिल रहा है आके, और बाहें से फिर ये हो रहा है, लेक बनी हुई है, स्टोर किया हुआ है। गाइस अभी लेक देख ली, और प्लान ऐसा है कि सुंदर नगर में ही एक फेमस मंदिर है महामाया देवी जी का, वो देखते हैं। 4.7 किलोमीटर है हमारी लोकेशन से, तो चलते हैं।
सो हम पहुंचने वाले हैं, 600 मीटर पे है मंदिर कहीं। ये पार कर देते हैं हम अपनी बाइक। चलो जी हम पहुंच गए ऊपर, टाइम भी अभी हो रखा है 1:33। सो गाइस हम आ चुके हैं अभी महामाया मंदिर में, लेख देखने के बाद में। ये देखो ये है सुमित्रा श्री महामाया टेंपल। बाहर से तो देख लिया, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है जूते चप्पल चमड़े का सामान मुख्य द्वार के अंदर लेके आना सख्त मना है, सही है। और टाइमिंग भी दे रखी है, गर्मी में मंदिर खुलने का समय 8 से 1 बजे तक, इसलिए बंद है क्या? बंद है मंदिर का, खुलने का समय 3 बजे है अभी, तो अभी 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा, क्या करना है देखते हैं। सो गाइस अब प्लान ऐसा है कि महामाया देवी जी का मंदिर तो ये बंद है, वो खुलेगा 3 बजे, और 3 बजे तक तो हम बहुत लेट हो जाएंगे हमें। तो हम जा रहे हैं नीचे, ऋषि सुखदेव जी की वाटिका एक नीचे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा बारिश होगी फिर से, 4 किलोमीटर है वाटिका यहाँ से, और नीचे सब कुछ दिख रहा है सुंदरनगर का मैदान। तो बोलते हैं कि ये जो सुखदेव वाटिका जहाँ बनी है, वहाँ पे ऋषि सुखदेव जी ने महाभारत काल के दौरान वहाँ पे बोल तपस्या की थी, और वहाँ पे गुफा भी है जो हरिद्वार की तरफ जाती है। और बोलते हैं कि ऋषि वो सुखदेव उस गुफा का इस्तेमाल पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए करते थे। तो चलो चल के देखते हैं। वे राइट साइड में बता रहा है कोई 90 मीटर की दूरी पे। अच्छा ये है सुखदेव, ऋषि सुखदेव जी की वाटिका। ये है देवता सुखदेव ऋषि मंदिर तपोभूमि सुखदेव वाटिका करके। चलो नीचे चलते हैं। ये हैं ऋषि सुखदेव जी। आगे पता नहीं कितनी गहरी है, कुछ पता नहीं, इसमें अंधेरा है अंदर। जो गुफा है वो अंदर है और वो अंधेरा है, उसमें तो दिख नहीं रहा है वो गहरी कितनी है, कहाँ जाती है वो तो कोई देखा नहीं किसी ने, बट गुफा जो है वो अंदर है। गुफाएं इधर भी हैं, इस साइड भी हैं, अंदर पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। गाइज ये थी ऋषि सुखदेव जी की वाटिका जो कि आपको अपने ब्लॉग में दिखाई, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। गाइज आई होप आप सभी मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, आप सभी को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ एंड स्टे सेफ गाइज।